लालकुआ में सेंचुरी पेपर मिल के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदूषित नाले को भूमिगत करने और लिखित समझौते पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान ग्राम प्रधान शंकर जोशी ने कहा कि सेंचुरी पेपर मिल से बहाए जा रहे प्रदूषित नाले से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदूषित नाले में बड़े बड़े मगरमच्छ पल रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। लालकुआ से संवाददाता मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। जहरीले नाले की बात है, ये गंदा नाला नहीं है, जहरीला नाला है, क्योंकि इसमें केमिकल युक्त जितनी गंदगी है। और उसके बाद इसमें सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हो गया है कि यहाँ पर मगरमच्छ देखने को मिल रहे हैं रोज आए दिन, और कल भी यहाँ मगरमच्छ मिला, जिसमें हमारे भाई प्रकाश उत्तराखंडी जी ने कल ज्ञापन भी सौंपा था अजडिम महोदय को। लेकिन अभी भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, अजडिम महोदय लालकुआ में विराजमान है लेकिन वो यहाँ पर आकर के इस नाले का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है, इस नाले की जो लड़ाई है, इसको 1999 से हमने शुरू किया था और जो आज तक जारी है। इतना अवश्य है कि हमने जो है एक समय ऐसा था कि पेपर मिल यह मानता ही नहीं था कि भैया यहाँ पर कोई प्रदूषण हो रहा है, लेकिन हमारे द्वारा किए गए जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप न केवल सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल को यह मानना पड़ा कि प्रदूषण है, बल्कि उसको लिख करके देना पड़ा कि हम इस जो भूमिगत नाला है, इस जो जहरीला नाला है, इस नाले को हम भूमिगत करेंगे।